or throughout my life, we have been using English as a medium of instruction. When I was a student in Islamabad, and then I did my fellowship from UK and also possess fellowship from America as well. And I have some experience of teaching in Australia as well. But at the age of 61, I realized that although we must learn all languages, nowadays we must learn Chinese, we must learn German, we must be very fluent in English. But we must not forget that the best language for communication and the best language to express ourselves is our own mother tongue. And we should not... इसलिए अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो हालांकि मुझे लग रहा है कि आपका फॉर्मल यहाँ प्लान इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में हर जगह पर अपनी मादरी ज़बान को फ़ख्र के साथ बोलना और उसके ज़रिए अपनी एजुकेशन को लेके जाना, ये सक्सेस की की है। अगर आप जापान में जाएंगे तो उनकी हर चीज जापानीज में होगी, सवाए कुछ इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों के जैसे बर्तानिया है और आयरलैंड है। यूरोप में आपको बहुत मुश्किल होगा कि अंग्रेजी में किसी को कोई बात समझाने वाला मिले, और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी रिसर्च वहीं हुई है। और तो और जो हमारे करीब अफगानिस्तान का मुल्क है, वहाँ MBBS भी फारसी में होता है, ईरान के अंदर MBBS फारसी में होता है। तो इसलिए जहाँ हमें सारी ज़बानें सीखनी चाहिए, वहाँ एक बात मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अपनी ज़बान बोलने में फ़ख्र महसूस करना चाहिए, और हमारी ज़बान के अंदर इतनी वुसअत है कि इसमें हम अपना माफी ज़मीर बयान कर सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था तो वहाँ पता चला कि एक साहब हैं जो कि मुल्तान के रहने वाले हैं, तो लेकिन वो वहीं पैदा हुए थे, उनके बच्चे भी वहीं पैदा हुए थे, लेकिन मेरे साथ उनको थोड़ी सी उनसीयत हो गई और मैं वहाँ काम सर्जरी में होता था। तो वो अपने बच्चे को लेके आए जो कि वहीं पैदा हुआ था और वो अंग्रेजी बोलता था, तो इसी तरीके से उसी ऑस्ट्रेलियन एक्शन में मैं हेलो माइट ऐसे करके बात करता था। लेकिन जब उसको टीका लगने लगा तो अचानक उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, वो आवाज़ ये थी, धाड़ो। राइट, इसलिए कि वो जो ओरिजिनल हार्ट की फीलिंग थी ना, वो वहाँ पैदा हुआ था, मगर दर्द में उसने धाड़ वो कहा। आई डोंट नो आप में से जो सराइकी समझते हैं वो इस बात को, धाड़ वो को किसी अंग्रेजी एक्सेंट में किसी चीज में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यौम आज़ादी के मौके पर जहां हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मेरा ये फर्ज है कि आपके चमकती हुई आंखों को देखते हुए और आपकी कुशादा पेशानियों को देखते हुए और आपके चेहरे पर मुस्तकबिल की का खूबसूरत चांद उभरता हुआ देखते हुए, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके साथ कुछ बहुत संजीदा बातें करूं। और जैसे मैडम ने कहा कि ये फ्यूचर लीडर्स हैं, यानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे सामने बैठा हुआ है, तो कुछ बातें हमें बहुत सच, बहुत ज़रूरी बताने की हैं। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप बहुत संजीदगी से ये मेरी बातों को सुनिएगा और देखिएगा कि इसमें हमारे लिए क्या टेक होम मैसेज है। मैं 1961 में पैदा हुआ था, पाकिस्तान बनने के 14 साल बाद, लिहाजा जब मैंने ज़रा होश संभाला तो उस वक्त मुझे 1965 की जंग याद है जब मैं 4 साल का था। और वो तमाम लोग जो मेरे इर्द गिर्द बुजुर्गों की शक्ल में मौजूद थे, बल्कि यंग लोगों की शक्ल में मौजूद थे, वो मेरे वालिदैन, उन्होंने पाकिस्तान बनता हुआ खुद देखा था। और वो खुद, मेरे वालिदैन माइग्रेट होकर आए थे ईस्ट पंजाब से, तो वो तमाम कहानियाँ उनको बिल्कुल याद थी। 14 साल ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो वो तमाम कहानियाँ मैंने फर्स्ट हैंड अपने कानों से सुनी हैं। जिस इलाके में मेरे दादा जान रहा करते थे, वो इलाका पाकिस्तान में शामिल होना था। और मेरे वालिद साहब ये बताते थे कि वहाँ के सिख और वहाँ के हिंदू हमारे घर आए और आके उन्होंने कहा कि अब जब पाकिस्तान बन जाएगा तो हम इतने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, हम आपसे ये तवक्को रखेंगे कि हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो मेरे वालिद साहब बताते हैं कि दादा जान और कुछ और लोगों ने कहा कि बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी बेटियां, आपकी बहनें हमारी बेटियां और बहनें हैं और आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, हम पहले। लेकिन आपके शायद इल्म में हो कि जो रेडक्लिफ ने जो अवॉर्ड किया और जो लाइन बनाई, वो एक्चुअली बदयानती पर की उसकी बुनियाद थी, ताकि किसी तरीके से कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का एक्सेस दे दिया जाए ऐसी सूरत में कुछ पंजाब के इलाके जिनको एक्चुअली पाकिस्तान में होना चाहिए था वो हिंदुस्तान में चले गए। और बिल्कुल अचानक ये पता चला कि वो गांव जिसमें कि मेरे वालिदैन और दादा रहा करते थे वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो वो तमाम लोग जो पहले ये कहने के लिए आए थे कि आप मेहरबानी करके हमारी हिफाजत कीजिएगा, वो खुद बर्चियां और छुरे लेकर कत्लेआम के लिए आ गए। मेरे वालिद साहब कहते हैं कि उनकी सकी फूफी उनकी आंखों के सामने शहीद हुई और वो डर के भाग गए और एक जिसको पंजाबी में कहते हैं तूड़ी वाला अंदर, जिस जगह के ऊपर भूसा रखा होता है, उसके अंदर छुप कर उन्होंने अपनी जान बचाई। और जिस हालत में वो पाकिस्तान यहाँ आए वो तमाम कहानियां मैंने सारी सुनी है, लेकिन ये सारी की सारी कुर्बानी बहुत वर्थ थी, ये बहुत जरूरी थी, इसलिए कि इस कुर्बानी के पीछे एक नजरिया था और वो नजरिया ये था कि पूरी दुनिया में कौम, अभी भी अगर आपके पास मोबाइल हो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से कौम की तारीफ देखें कि नेशन की तारीफ क्या है, तो नेशन की तारीफ यह है कि ऐसे लोग जो एक जबान बोलते हों, जिनका रहन सहन एक जैसा हो और जो जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हों, वो एक कौम होती है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने तारीख के अंदर एक नई चीज ऐड की और उन्होंने कहा कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से हमारे नजदीक कौम की ये डेफिनेशन नहीं है। कौम की डेफिनेशन ये है कि हर वो शख्स जिसका रंग काला है या गोरा है, वो सराइकी बोलता है या सिंधी बोलता है या पश्तो बोलता है या कोई भी जबान बोलता है, वो कहीं भी रहता है, अगर वो कलमा पढ़ता है तो वो एक कौम है। और चूंकि मुसलमान एक कौम है, लिहाजा उनको जोग्राफियाई तौर पर एक अलग खिता चाहिए जहां वो अपनी मर्जी से, अपने दीन के मुताबिक, अपने नबी की बताई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। इस नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हमें मिला। ये इतना बड़ा दावा था और ये इतनी बड़ी एक फिलॉसफी थी कि अगर हम इसको साबित करने में कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती, बेटा मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पॉलिटिकल हालात और हमारे जाती माशरती हालात इस तरह के हुए कि हम वो एफर्ट नहीं कर सके जिससे इस नजरिए को साबित कर सके, जिसका नतीजा ये निकला कि कुछ ही अरसे के बाद इसी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाने वाले लोगों ने ये कहा कि चूंकि हम बंगला जबान बोलते हैं और आप जो है उर्दू और दूसरी जबानें बोलते हैं, आपके यहाँ वसाइल की तकसीम और तरह से है, हमारे यहाँ वसाइल की तकसीम और तरह से है, लिहाजा हमने आपके साथ नहीं रहना। और मुझे वो वक्त याद है, मैं छठी जमात में पढ़ता था जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जुदा हुआ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारे घर में तकरीबन एक हफ्ता खाना नहीं बना। मेरी वालदा की रो रो के गिगी बन गई थी मरूमा की। मेरे वालिद साहब बहुत उदास थे, मसल्ले पे बैठ के रोते रहते थे। मैं छोटा सा बच्चा था, छठी जमात में पढ़ता था, और मैं उस दुख को अभी भी अपने सीने में महसूस कर सकता हूँ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी शख्स का बाजू काट दिया जाए तो उसको कितनी तकलीफ हो। बिल्कुल यही तकलीफ और इस अजियत से हम गुजरे थे जब मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ था। मैं ये सारी बातें इस मौके पर हम सब तवक्को रखते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें करें और हम पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त बातें हुई हैं जिनका मैं इजहार करूंगा। लेकिन इस वक्त मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर के जुम्मे ये है कि वो सिम्टम्स का एनालिसिस करके बीमारी के बारे में बताए ताकि उसका इलाज किया जा सके। और ये आप लोगों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लिहाजा इसी एज में आपको बहुत संजीदगी से ये देखना पड़ेगा कि आपसे बड़ी नस्ल यानी मेरी नस्ल और मुझसे मुत्तसिल नस्ल, उनसे क्या गलतियां हुई हैं। और मैं आप सबके सामने सबसे पहले अपनी नस्ल की तरफ से और मुझसे जो मुत्तसिल नस्ल थी उनके बिहाफ पर हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। मैं ये बात किसी सेरेमोनियल वे में नहीं कह रहा, मैं रस्मन नहीं कह रहा, मैं अपनी दिल की गहराइयों से आप तमाम से अपने बिहाफ पर और वो नस्ल जो कि मुझसे मुत्तसिल और मुझसे पहली नस्ल थी, मैं उनके बिहाफ पर आपसे माफी मांगता हूं। क्योंकि हम सबसे दो बुनियादी गलतियां हुई हैं और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वो गलतियां कहीं आप ना करना। पहली गलती हमसे ये हुई है कि हमने अपना वैल्यू सिस्टम टोटली चेंज कर दिया। जब मैं बच्चा था, मेरे वालिद साहब के दफ्तर में एक साहब थे जिनकी पैंट पर हमेशा पेबंद लगा हुआ होता था। वो साइकिल पर आते थे और तकरीबन हर रोज ही चपड़ासी उनके साइकिल को पंक्चर लगवाने जाता था, क्योंकि उनका साइकिल बड़ा पुराना था। लेकिन जब वो आते थे तो सब लोगों की आंखों में उनके लिए इज्जत होती थी, क्योंकि उनके बारे में मशहूर था कि उनके मुंह में हराम का कभी एक लुकमा नहीं गया। वो सिर्फ दोनों ईदों में अपने बच्चों को कपड़े बनवा के देते थे, इसके अलावा कपड़े नहीं होते थे, और वही पेबंद लगी पैंट पहनते थे, लेकिन पूरे मुआशरे में उनकी इज्जत थी। ये मयार था मुआशरे में वैल्यू सिस्टम का। हर वो चीज जिसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, इंसान उसकी बुनियाद पर बड़ा होता था। मुझसे मुत्तसिल नस्ल से सबसे बड़ी बुनियादी गलती ये हुई कि हमने पिछले 30-40 सालों में अपना वैल्यू सिस्टम चेंज कर दिया। हमने आपको, आपके बड़े बहन भाइयों को, आपके चचा तायों को हमने ये बताया कि इसकी बुनियाद पर इंसान बड़ा नहीं होता, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो बड़ा होता है। ये वैल्यू सिस्टम अपसाइड डाउन हुआ है पिछले 30-40 साल में, जिसकी बुनियाद पर कौन सा आदमी है जो बड़ा नहीं होना चाहता। हर शख्स बड़ा होना चाहता है। अगर ईमानदारी की बुनियाद पर इंसान बड़ा माशरे में माना जाएगा तो हर शख्स ईमानदार होना पसंद करेगा। अगर सच्चाई की बुनियाद पर इंसान को बड़ा समझा जाएगा माशरे में तो हर शख्स सच्चा होना पसंद करेगा। अगर इस बुनियाद पर कि जब मैं अल्लाह के सामने पेश होऊंगा तो मैं कैसे तोला जाऊंगा, अगर इस बुनियाद पर लोग बड़े होंगे तो सारी दुनिया उसके लिए मेहनत करेगी। और मैंने अपनी आंखों में, आंखों से वो लोग देखे हैं कि जिनके पास वसाइल होने के बावजूद, अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद, उन्होंने इस मयार के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी और अभी भी लोग उनका नाम लेते हैं। लेकिन मुझसे और मेरी मुत्तसिल नस्ल से ये बुनियादी गलती हुई कि हमने मुआशरे में बड़ा उसको करार दे दिया जिसके पास पैसा बड़ा है। इसलिए आपके पास किस तरीके से पैसा आया है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बड़े हैं। अगर आप बहुत बड़ी काली गाड़ी से उतरे हैं, आप काबिल इज्जत हैं। अगर आपके पास ब्रांडेड गाड़ी है, आप काबिल इज्जत हैं। अगर आपका बहुत बड़ा घर है, आप काबिल इज्जत हैं। इस बात से कतई नजर कि वो पैसा आपके पास किस तरह से आया है। मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये गलती हमारी नस्ल ने की है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, अपनी उम्र के इसी हिस्से में जिसमें आपके जज्बे जवान हैं, जिसमें आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जिसमें अभी आपके अंदर पैसे की तमा, पैसे की लालच नहीं आई, आप हायर पर्पस ऑफ लाइफ को सोच सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, अपनी हैबिट पैटर्न को उसके मुताबिक डेवलप कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी से अपने दिल में ये बात डालिए कि पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के होने से खैर के असबाब बढ़ जाते हैं, लेकिन प्लीज आप याद रखिएगा, पैसे को कदर की तौर पर, एक मेजर वैल्यू के तौर पर अपनी जिंदगी में कभी शामिल मत कीजिएगा।